हेलो दोस्तों, भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट डिओडोरेंट। हम प्लांट डिओडोरेंट पहले भी जो क्लासिफिकेशन है उसका फर्स्ट पार्ट अपने डाल चुके हैं। तो अपने पढ़ा था जो आर्नोन और स्टाउट की थ्योरी है उसको पढ़ा था, आर्नोन ने जो रिवाइज थ्योरी दी थी उसको पढ़ा था। उसके बाद अपने प्लांट डिओडोरेंट्स के क्लासिफिकेशन में जो असेंशियल मिनरल्स है 17 आवश्यक पोषक तत्व उनकी बात की थी। उनको तीन भागों में बांटा, संरचनात्मक यानी फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर। दूसरे हमने बात की थी मैक्रो न्यूट्रेंट वृहद पोषक तत्व, उनको भी अपने दो भागों में बांटा था, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रेंट्स, कुछ और भी टर्म्स थी जैसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट है, बेनिफिशियल न्यूट्रेंट्स है यानी लाभदायक पोषक तत्व है। उसके अलावा अपने जैसे क्वासी एलिमेंट सिलिका को कहते हैं इसकी बात की थी। उसके अलावा प्लांट न्यूट्रेंट्स के रिस्पेक्ट में डॉक्टर जस्टिन वॉन लीबेग ने 1840 के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी दी थी, लॉ ऑफ मिनिमम, न्यूनता का सिद्धांत। देखो जस्टिन वॉन लीबेग है, उसका न्यूनता का सिद्धांत क्या होता है, जस्टिन वॉन लीबेग ने बताया था। देखो वैसे तो ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को तो हम तब समझेंगे जब पूरी तरह से न्यूनता का सिद्धांत समझ लेते हैं। मान लो कोई पौधा है, को किसी मृदा में खड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या है, जो पोषक तत्व चाहिए उनमें से कोई से भी चार पोषक तत्वों की कमी है। मान लो इस लेवल तक पौधे को पोषक तत्व चाहिए, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता है उसकी ये लाइन है, लेकिन कुछ चार पोषक तत्व है उनकी मात्रा कम है। जैसे मान लो कि कोई से भी चार पोषक तत्व है ये कम मात्रा में है, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है या फास्फोरस है, इनकी मात्रा की कमी है। सबसे कमी ज्यादा किसकी, यहां पर कमी सबसे ज्यादा किसकी दिखाई दे रही है, फास्फोरस की कमी दिखाई दे रही है। तो जस्टिन वॉन लीबेग ने कहा था कि जो ये पौधा है इसकी वृद्धि के अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर है, जो फसल उत्पादन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, वो सबसे कमी वाला, अगर हम क्या करेंगे, इस फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा दें, अगर हम इस फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देंगे और इसको पूरा कर देंगे, तो अब क्या है कि जिंक की कमी सबसे ज्यादा है, अब उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहेगा, जो उत्पादन कम हो रहा है, वो जिंक का प्रभाव रहेगा। अब हम जिंक की मात्रा को बढ़ा देंगे तो अब किसका लिमिटिंग फैक्टर रहेगा, कॉपर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि इसकी सबसे कम मात्रा है। अब हम कॉपर की मात्रा बढ़ा दें तो अब उत्पादन की कमी के अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर है यानी जो उत्पादन को कम कर रहा है सबसे ज्यादा, वो कौन सा कर रहा है, आयरन कर रहा है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, जस्टिन वॉन लीबेग ने दिया था। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। मान लो कोई पौधा है उसको जो पोषक तत्व चाहिए और तो पर्याप्त है, कोई से भी पांच या चार पोषक तत्व कम मात्रा में है। जैसे यहां पे अपने कोई से भी चार पोषक तत्व ले लेते हैं, फिर से अपने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है या जिंक है। सबसे कम कौन सा है, जिंक, यानी सबसे ज्यादा कमी किसकी कर रही है, जिंक की। तो यहां जो फसल उत्पादन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो जिंक कर रहा है। अब आप जिंक की मात्रा बढ़ा दोगे, जिंक की मात्रा प्राप्त कर दोगे, तो अब सबसे ज्यादा कमी किसकी खिल रही है, मैग्नीशियम, यानी उत्पादन के अंदर जो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होगा मैग्नीशियम होगा, जिसके कारण सबसे कम उपज हो रही है। अब इसको आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या है, अब सबसे ज्यादा कमी किसकी खिल रही है, नाइट्रोजन, क्योंकि फास्फोरस की कमी है लेकिन नाइट्रोजन की तुलना से कम है, अब नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर है। अब आप नाइट्रोजन को पर्याप्त कर दोगे तो अब जो लास्ट में बचा वो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होगा, फास्फोरस। जो सबसे ज्यादा कमी वाला है वो ही मेन क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है, वही फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो इसको अपने क्या बोला था, जस्टिन वॉन लीबेग ने, न्यूनता का सिद्धांत, यानी जिसकी मात्रा सबसे न्यूनतम है वो ही सबसे ज्यादा फसल उत्पादन पर प्रभाव डाल रहा है। अब जिसकी सबसे ज्यादा कमी है उसकी मात्रा बढ़ाओगे, वैसे वैसे उत्पादन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उत्पादन बढ़ता जाएगा, यानी मात्रा बढ़ा रहे, उत्पादन बढ़ता जा रहा है, यानी जो सबसे लिमिटिंग फैक्टर है अगर आप उसकी मात्रा बढ़ाओगे तो उत्पादन उसके समान अनुपाती बढ़ेगा। जैसे अब ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, ये जो कंटेनर है इसमें मान लो इसमें यील्ड है, जो सबसे कम फैक्टर है उससे की वजह से प्रोडक्शन उससे ऊपर नहीं जा रहा, अगर इसको अपने कवर कर देंगे तो अब जो इससे अगला जो कमी वाला फैक्टर है वो क्या करेगा, उत्पादन को प्रभावित करेगा। ये जस्टिन वॉन लीबेग का सिद्धांत था। अगर मैं इसको बोलूं तो जस्टिन वॉन लीबेग ने बताया, या जस्टिन वॉन लीबेग के न्यूनता का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि किसी पौधे उत्पादन के अंदर या किसी फसल के अंदर कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है, उनमें से वो आवश्यक पोषक तत्व फसल उत्पादन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा जिसकी कमी सबसे ज्यादा है, और उसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा, यानी उसके समानुपाती उत्पादन बढ़ता जाता है। इसको न्यूनता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कौन कौन से पोषक तत्व है, कितनी सांद्रता में इनकी आवश्यकता होती है, और प्लांट में ये किस प्रतिशत में पाए जाते हैं। देखो दोस्तों, जो पौधों में पोषक तत्वों की सांद्रता होती है
जैसे प्रतिशत में भी पूछ ली जाती है और पीपीएम में भी पूछ ली जाती है। लेकिन जैसे अपने बात करें कार्बन की सांद्रता होती है 45%, तो ये जो सांद्रता होती है ड्राई वेट बेसिस होती है, शुष्क भार बेसिस होती है। शुष्क भार क्या होता है, किसी पौधे की कार्बन के भार को शुष्क भार, अगर कोई पौधा है आप उसका शुष्क भार निकालना चाहते हो तो उस पौधे को आप जलाओगे, उसकी जो राख बचगी वो उसका कार्बन है। तो जो कार्बन का भार होता है उसे ही क्या कहा जाता है, शुष्क भार। तो शुष्क भार के हिसाब से कितने प्रतिशत उसकी सांद्रता है, वही प्रतिशत या पीपीएम में हमेशा पूछी जाती है। हमेशा ताजा जो होता है या फ्रेश पौधा होता है उसके अनुसार प्रतिशत सांद्रता नहीं होती, क्योंकि उसमें तो जल की फिर मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो फिर इतना प्रतिशत नहीं बचता है। अब पौधों के अंदर क्या किया जाता है, जो सांद्रता पूछी जाती है वो प्रतिशत में भी पूछ ली जाती है और पीपीएम में भी पूछ ली जाती है। अब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो जो डेटा है वो सारे के सारे आप पीपीएम और प्रतिशत दोनों में याद कर लीजिए, या फिर एक ही में याद कर लीजिए, सिर्फ उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे आपको डेटा ये याद है प्रतिशत में, तो आप उसको पीपीएम में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या कर दोगे, उसको 10,000 से गुणा कर दोगे। जैसे प्रतिशत को पीपीएम में बदलना है, ये पास में रेड कलर में अपना फॉर्मूला दिया हुआ है। मान लो कि पौधे में कार्बन पाया जाता है 45%, आप उसको पीपीएम में बदलना चाहते हो तो 10,000 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अगर 10,000 से गुणा कर दोगे 45 को तो वो 4,50,000 आ जाएगा, तो 4,50,000 पीपीएम बन जाएगा। बात आती है पीपीएम को प्रतिशत में बदलना। मान लो कि आपको कोई डेटा है वो दिया है पीपीएम में, या फिर आपको कोई डेटा पीपीएम में याद है तो आपको उसको प्रतिशत में बदलना है, तो जो आपको पीपीएम याद है, जैसे यहाँ 4,50,000 पीपीएम है कार्बन पौधे के अंदर जो प्रतिशत भाग है, उसको उसमें 10,000 का भाग दे दोगे तो वो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये प्रतिशत को पीपीएम में बदलने का और पीपीएम को प्रतिशत में बदलने का फॉर्मूला है। अगर ये आप ध्यान रखोगे तो डेटा आपको दो दो फॉर्मेट में याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही फॉर्मेट में अपना काम चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला ढंग से देख लेना। पीछे मैंने एक पीजीआर का जो टॉपिक था उसमें पीपीएम की कैलकुलेशन आपको बताई थी, तो पीपीएम में प्रतिशत को बदलने से डिटेल से बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। अब अपने बात करते हैं जो पोषक तत्व है उनका इंग्लिश में सिंबल क्या है, और पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, उनका स्रोत क्या है, और कौन से वैज्ञानिक ने और किस सन में खोज की थी, और पादप कोशिकाओं में किस प्रतिशत और किस पीपीएम में पाए जाते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं बेसिक न्यूट्रेंट या फ्रेमवर्क न्यूट्रेंट या जिनको संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले संरचनात्मक पोषक तत्वों में है कार्बन। कार्बन को सी से नोट डिनोट किया जाता है, और कार्बन है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिया जाता है, यानी कार्बन ग्रहण करने की जो फॉर्म होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और कार्बन की जो खोज है एज ए पोषक तत्व के रूप में कार्बन की खोज सेट्स ने 1882 में की थी। और जो पादप कोशिकाएं होती है उनके शुष्क भार के अनुसार उनका 45% हिस्सा कार्बन का बना हुआ होता है। अगर अपने पादप कोशिकाओं में ड्राई वेस्ट बेसिस यानी शुष्क भार के अनुपात के हिसाब से बात करें तो इनकी सांद्रता होती है 4,50,000 पीपीएम। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एच से डिनोट किया जाता है। हाइड्रोजन है वो जल से प्राप्त किया जाता है, और इसकी खोज भी सेट्स ने 1882 में की थी। और पादप कोशिकाओं में शुष्क भार के अनुसार 6% होता है, और पीपीएम में बात करें तो 60,000 पीपीएम सांद्रता होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 से सिंबलाइज करते हैं, और ऑक्सीजन है वो पौधे मुख्यतः वातावरण से ऑक्सीजन के रूप में प्राप्त करते हैं श्वसन के दौरान। और जो ऑक्सीजन है उसकी पादप पोषक तत्वों के रूप में खोज की थी डी शोषर ने 1804 के अंदर, और पादप कोशिकाओं में शुष्क भार के अनुसार 45% या 4,50,000 पीपीएम पाया जाता है। ये तीनों संरचनात्मक पोषक तत्व है जो अपने पीछे के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व वो होते हैं जो पौधे की संरचना निर्माण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट वृहद पोषक तत्व। मैक्रोन्यूट्रेंट जो वृहद पोषक तत्व है इनको दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व वो होते हैं जिनको प्रायोरिटी दी जाती है, जिनकी देखो मैक्रोन्यूट्रेंट्स पिछले वीडियो में अपने बात कर की थी कि अगर पौधे के शुष्क भार के हिसाब से अगर बात करें तो 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से अधिक इनकी मात्रा होती है तो उन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं, या फिर पौधे में शुष्क भार के अनुसार 1000 ppm से अधिक सांद्रता होती है तो उन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं। वृहद पोषक तत्व अपने दो तरह की बात की थी, प्राइमरी न्यूट्रेंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रेंट, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व।
प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व दोनों की मात्रा 1000 ppm से अधिक होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है, जिनकी ज्यादा आवश्यकता होती है, वो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N से सिंबलाइज किया जाता है, और नाइट्रोजन पौधे अमोनिया और नाइट्रेट अवस्था में लेते हैं। NO4 को अमोनिया बोल देंगे, NO3 को नाइट्रेट बोल दिया जाता है। देखो, संरचनात्मक पोषक तत्वों को छोड़ के, जैसे कार्बन और जो ऑक्सीजन है उसको छोड़ के, बाकी सारे के सारे पोषक तत्व पौधे मृदा से ही ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन की खोज पोषक तत्वों के रूप में रदरफोर्ड ने 1872 में की थी। पादप कोशिकाओं में शुष्क भार के अनुसार ये 1.4% पाया जाता है, यानी 14000 ppm। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस को P से सिंबलाइज किया जाता है, और फास्फोरस होता है उसको पौधे ग्रहण करते हैं डाइहाइड्रेट फास्फेट आयन में, या अम्लीय मृदाओं में ज्यादातर अवशोषित होता है। और दूसरा है हाइड्रोजन फास्फोरिक आयन, फास्फेटिक आयन है, ये ज्यादातर उदासीन मृदाओं के अंदर अवशोषित किया जाता है। और एक है फास्फेटिक आयन, ये ज्यादातर क्षारीय मृदाओं में अवशोषित किया जाता है। तो H2PO4 को बोलते हैं डाइहाइड्रेट फास्फेटिक आयन, जो अम्लीय मृदाओं में अवशोषित किया जाता है। HPO4 को बोलते हैं हाइड्रेट फास्फेट आयन, ये ज्यादातर उदासीन मृदाओं में अवशोषित किया जाता है। और तीसरा है फास्फेटिक आयन, ये ज्यादातर क्षारीय मृदाओं में अवशोषित किया जाता है। फास्फोरस भी मृदा से ही ग्रहण किया जाता है। फास्फोरस की खोज जो है वो की थी पोस्टरनेक ने 1903 में, और ये पादप कोशिकाओं में शुष्क भार के अनुसार 0.2% पाया जाता है, और ppm में सांद्रता की बात करें तो 2000 ppm। नेक्स्ट है पोटास या पोटेशियम। के से सिंबलाइज किया जाता है पोटास। पोटास आयनिक अवस्था में मृदा से ग्रहण किया जाता है, और इसकी खोज सिंपर नामक वैज्ञानिक ने 1890 में की थी। पादप कोशिकाओं में इसका 1% होता है शुष्क भार के अनुसार, ppm में बात करें तो 10000 ppm। नेक्स्ट है सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स, द्वितीय पोषक तत्व। इनमें सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है, और ये भी मृदा से ग्रहण करते हैं। इसकी खोज की थी सोलम हास्टमर ने 1856 में, और पादप कोशिकाओं में ये 0.5% यानी 5000 ppm होता है। नेक्स्ट है द्वितीय पोषक तत्वों में अगला मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नेश आयन के रूप में लिया जाता है, और मृदा से ग्रहण करते हैं। इसकी खोज की थी विल स्टेटर वैज्ञानिक ने 1906 के अंदर, और ये पादप कोशिकाओं में शुष्क भार के अनुसार 0.2% पाया जाता है, यानी 2000 ppm होता है। नेक्स्ट द्वितीय पोषक तत्वों में लास्ट आता है सल्फर। जो सल्फर होता है उसको सल्फेट जो आयन होते हैं उनके रूप में ग्रहण किया जाता है, यह भी मृदा से ग्रहण किया जाता है। इसकी खोज पीटरसन ने 1911 में की थी। पादप कोशिकाओं में इसका प्रतिशत होता है 0.1%, पीपीएम में बात करें तो 1000 ppm सांद्रता होती है। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रेंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे पहले है आयरन। आयरन को Fe फेरस से डिनोट किया जाता है, और आयरन है वो फेरस और फेरिक अवस्था में लिया जाता है। Fe2 को Fe2+ को बोल दिया जाता है फेरस, Fe3+ को बोल दिया जाता है फेरिक। फेरस और फेरिक है वो मृदा से ग्रहण किए जाते हैं, और आयरन की खोज पोषक तत्वों के रूप में ग्रीस ने 1844 में की थी। पादप कोशिकाओं में इसका 0.01% पाया जाता है, ये भी शुष्क भार के अनुसार ही होता है, और सांद्रता में बात करें तो 100 ppm। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज है वो मैग्नीज आयन के रूप में लिया जाता है, मृदा से ग्रहण करते हैं। इसकी खोज जी बैटरेंड ने 1897 में की थी। पादप कोशिकाओं में इसका प्रतिशत होता है 0.005%, पीपीएम में बात करें तो 50 ppm। नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन को बोरिक एसिड और बोरेट के रूप में काम में लिया जाता है। H3BO3 को बोरिक एसिड बोलते हैं, H2BO3 को बोरेट बोलते हैं, ये भी मृदा से ग्रहण किया जाता है। इसकी खोज एगुलोन ने 1910 में की थी। पादप कोशिकाओं में इसका 0.002% होता है, अर्थात 20 ppm होता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक आयन के रूप में लिया जाता है, मृदा से ग्रहण करते हैं। जिंक की खोज मेज ने 1915 में की थी, और पादप कोशिकाओं में इसका प्रतिशत 0.002% यानी 20 ppm होता है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है वो क्यूप्रिक अवस्था में लिया जाता है, Cu2+ यानी कॉपर आयन के रूप में लिया जाता है, ये भी मृदा से ग्रहण करते हैं। इसकी खोज ब्रांचली ने 1914 के अंदर की थी। पादप कोशिकाओं में इसका प्रतिशत होता है 0.0006%,
पीपीएम में बात करें तो अच्छा है पीपीएम। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है वो मोलिब्डेट के रूप में काम में ग्रहण किया जाता है। MOO4 है जो है उसको मोलिब्डेट बोलते हैं। तो मोलिब्डेनम मोलिब्डेट के रूप में लिया जाता है। ये भी मृदा से ग्रहण करते हैं। इसकी खोज भी पादप पोषक तत्वों के रूप में आर्नोन स्प्राउट ने 1939 में की थी। पादप कोशिकाओं में शुष्क भार के हिसाब से ये पाया जाता है 0.00001%। पीपीएम में बात करें तो 0.1 ppm। जिन पोषक तत्वों की मात्रा पौधे में 1 ppm से जिन पोषक तत्वों की मात्रा 1 ppm से कम होती है उनको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट बोलते हैं। तो मोलिब्डेनम एक अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट ही है। नेक्स्ट अपने बात करें क्लोरीन। क्लोरीन है वो क्लोरीन आयन के रूप में मृदा से ग्रहण किया जाता है। इसकी खोज टीसी ब्रोयर ने 1954 में की थी। और पादप कोशिकाओं में इसका प्रतिशत होता है 0.01%, यानी 100 ppm। निकिल है वो निकिल आयन के रूप में लिया जाता है। ये भी मृदा से ही ग्रहण किया जाता है। इसको पोषक तत्वों के रूप में ब्राउन ने 1987 में खोजा था। ये पादप कोशिकाओं में शुष्क भार के अनुसार 0.00001% होता है, यानी 0.1 ppm पाया जाता है। यह है सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट अब है लाभदायक पोषक तत्व, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रेंट। सबसे पहले कोबाल्ट, कोबाल्ट आयन के रूप में लिया जाता है और मृदा से ही ग्रहण किया जाता है। इसकी जो खोज की थी वो जियोर्ज ब्रांडेट ने 1739 में की थी। नेक्स्ट है वेनेडियम। वेनेडियम वेनेडियम आयन के रूप में लिया जाता है, मृदा से ग्रहण करते हैं। इसकी खोज एंड्रस मैनुअल डेल रियो ने 1801 में की थी। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम आयन के रूप में लिया जाता है, मृदा से ग्रहण करते हैं और इसकी खोज की थी हम्प्री डेव ने 1807 में। नेक्स्ट है सिलिकॉन। जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन हाइड्रेट के रूप में लिया जाता है, मृदा से ग्रहण करते हैं और इसकी खोज की थी जे जे ब्रिजलियस ने 1824 के अंदर इसकी खोज की गई थी। तो ये हो गया अपने पोषक तत्व, इनको ग्रहण करने की अवस्था, स्रोत, जिन वैज्ञानिक ने खोज की, स्थापना वर्ष और पादप कोशिकाओं में शुष्क भार के अनुसार इनका प्रतिशत और पीपीएम। दोस्तों अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।